और बता दें आपको कि एनडीए ने राज्य यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल एनडीए के नेता को सरकार गठन का आमंत्रण देंगे और साथ ही एनडीए को सरकार बनाने का निमंत्रण मिल चुका है। ये जानकारी मिल पा रही है, राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। तो राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है राज्य सरकार का। कल 4:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर जहां नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने एनडीए को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। और बता दें आपको कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही कल शाम 4:30 पर नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो सीएम नीतीश कुमार राजभवन से निकले, राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया और कल 4:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और राज्यपाल ने एनडीए को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, निमंत्रण दे दिया है। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल द्वारा आमंत्रित किया गया है एनडीए को सरकार बनाने का मिला है निमंत्रण। और वहीं बता दें आपको कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है एनडीए को और कल शाम 4:30 पर नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और सातवीं बार सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो लगातार सुबह से ही गहमागहमी थी, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे पटना, उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और अन्य घटक दल भी हैं उनके भी विधायक दल की बैठक हुई और साथ ही एनडीए के घटक दल की बैठक हुई। इसके बाद एनडीए के नेता चुने गए सीएम नीतीश कुमार और वहीं जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी, अब तक जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कल शाम 4:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर पहले राजभवन गए थे, जहां पर राज्यपाल को उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए, एनडीए को आमंत्रित किया है नई सरकार का। कल 4:30 पर शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने एनडीए को आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है एनडीए को सरकार बनाने के लिए, निमंत्रण दिया है राज्यपाल ने। और साथ ही बता दें आपको कि कल 4:30 पर शपथ होगा और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं चाहता था बीजेपी का सीएम बने, तो सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा कि वो चाहते थे कि बीजेपी से कोई सीएम बने। तो राजभवन से निकले सीएम नीतीश कुमार, क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें मुझे फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया और उसी आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है, एनडीए के सभी घटक दलों का, उनके नेतागण, अध्यक्ष लोग, सब लोग वहां जाकर के गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और मुझको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। शपथ ग्रहण कल होगा, कल आफ्टरनून में होगा, 4:30 के करीब होगा, आफ्टरनून में होगा। का सब लोगों को काफी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा और ये तौर पर सब लोगों को ताकि बिहार के लोगों ने पूर्ण अवसर दिया है बिहार का और आगे विकास हो, सब मिलकर के काम करेंगे, कहीं कोई कमी न रहे किसी भी क्षेत्र में और समाज के किसी भी तबके में, सब लोग करेंगे। सर कितने मंत्री सब वो अभी अभी तय होगा, सभी घटक दलों के मंत्री, हाँ सब लोग। तो अब आज तो हो गया, चला गया, इसके बाद अब हमको भेजना है, वो अब तो भेजेंगे कभी। अच्छा
आज आज शाम तक भेज सकते हैं, कल सुबह तक भेज सकते हैं। सर एनडीए विधायकों का स्वरूप सर क्या हुआ सर, नामों की जानकारी दे दिया जाए ऑफिशियली सर? अभी विधायक दल का चारों पार्टी के सभी माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्य और जितने सब एमएलसी है उन सब लोगों की बैठक और सब निर्णय हुआ है। अभी उसके बारे में कोई बात नहीं, सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं। वही अभी इसके बाद ही अब तय होगा, जानकारी अब हो गया, कैमरा साहब को दे दिया गया, आदेश निर्गत हो गया, ये काम हमारी तरफ से भी जाएगा। सब लोगों से बातचीत करने के बाद कल कौन लोग शपथ लेंगे और जब शपथ ग्रहण हो जाएगा और तब उसके बाद कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट डिसाइड करेगी हाउस की बैठक कब से होगी, जिसमें सभी नव निर्वाचित लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। अब तो आपको कुछ देर में पता ही चल जाएगा।